मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने मैट्रिक्स के चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, उसी को आज हम आगे जारी रख रहे हैं। हमने क्या कुछ पढ़ा था? मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने कुछ उसके एग्जाम्पल्स और थ्योरम सॉल्व की थी। आज भी हम नेक्स्ट एक थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट हमारे पास है कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए टी क्या होगी, हमारे पास सिमेट्रिक होगी। ए माइनस ए टी इज स्क्यूसिमेट्रिक, टी का मतलब है यहाँ ए का ट्रांसपोज किया गया, एंड ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए यानी मल्टीप्लिकेशन जो है इसका, वो भी क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक बार सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक के बारे में और जान लेते हैं। सिमेट्रिक हमारे पास क्या थी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। एंड स्क्यूसिमेट्रिक की हम बात करें तो स्क्यूसिमेट्रिक हमारे पास क्या थी कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, स्क्यूसिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ए पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। वैसे हम ए पॉइंट को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बी और सी पॉइंट इसके रह चुके थे, इसलिए ए को भी आज एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए पॉइंट क्या हो रहा है, इसमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। यानी इसका जब हम ट्रांसपोज करें तो वापस ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड इसका ट्रांसपोज। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताती हूँ। जैसे अपने पास मान लीजिए, जैसे ये कंडीशन दे रखी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें दे रखा हो ए प्लस बी, यानी कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं एडिशन में और उसका ट्रांसपोज किया जाए तो ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे ओपन होता है, ठीक है। अगर आपको ए बी यानी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में दी जाए और उसका ट्रांसपोज किया जाए तो ये रिवर्स लॉ में मिलेगा, यानी रिवर्स का मतलब है पहले सबसे लास्ट वाले का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले बी का ट्रांसपोज देन हमारे पास ए का ट्रांसपोज, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। इनका हम यूज करेंगे, जैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें बताएं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होता है, ए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो प्रॉपर्टी जहां भी यूज हो वहां उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज एज इट इज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो हमारे पास कॉम्यूटेट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया था हमारे, हमने वापस वही मैट्रिक्स मिल गई, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ए पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। देन हम सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है बी पॉइंट में कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यूसिमेट्रिक, यानी ए और ए माइनस का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी ए माइनस ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो बात तो वही है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज
मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है ए वो हमारे पास सिमेट्रिक है एंड कोई अदर मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास बी वो हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है, तो देन सम ऑफ इट्स यानी इनका सम भी क्या होगा यानी ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर हमारे पास ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका सम यानी ए प्लस बी का सम भी क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें गिवन है बी ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसमें बोला है कि हमारे पास टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लेट ए एंड बी आर मैट्रिक्स है आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या है ए प्लस बी है। अगर ए और बी हमारे पास दो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनका सम भी क्या आना चाहिए हमारे पास सिमेट्रिक आना चाहिए, तो हम चेक करते हैं ए प्लस बी यानी दोनों का सम करेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आना चाहिए ए प्लस बी ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो एडिशन वाला वही रूल लगाएंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें पता है गिवन है कि ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास ए है एंड बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी आ गया, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वापस वही मैट्रिक्स आ गई तो ए प्लस बी हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम अगर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करें तो आइए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। अब उसमें चेंजेस क्या आएंगे कि ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएंगे दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, देन ए का ट्रांसपोज माइनस भी आ जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस भी, बाकी प्रोसेस हमें सेम ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है, बस अब हम सिमेट्रिक की जगह क्या दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है कि ए और बी हमारे पास क्या है टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ए का ट्रांसपोज इज माइनस ए एंड बी का ट्रांसपोज इज माइनस बी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, देन वापस वही चीज करते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें पता है ए का ट्रांसपोज क्या है माइनस ए एंड बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या है माइनस बी। ठीक है, तो माइनस दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस ए प्लस बी। अब देखिए हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया एंड हमें आंसर मिल गया माइनस ए प्लस बी, यानी ये मैट्रिक्स हमारी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या कहने का कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगी एंड अदरवाइज ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या होगी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, सेम होनी चाहिए मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर की होगी तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे 1.4। थ्योरम नंबर 1.4 में हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है दे कॉम्यूट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, थ्योरम नंबर हमारे पास 1.4 है, क्या स्टेटमेंट है इसका द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं
सेम ऑर्डर ठीक है। इज दिस विक्ट्री मैट्रिक्स? ठीक है, देन इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन दे रखी है हमें, दे कॉम्प्यूट ठीक है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होएगा? सिमेट्रिक होएगा ठीक है। कब? जब वो क्या आएगी हमारे पास? कॉम्यूट होएगी, यानी कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। हमारे पास क्या?
क्या है, कॉम्यूटेटिव है, यानी कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी ये फॉलो कर दिया। तो हमने ये एक डेफिनेशन लगाई इस मेट्री की और दोनों साइड को इक्वल हमने सॉल्व कर लिया, तो अभी ये इक्वल ए बी आ गया। ठीक है, हमारी कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम्स यहाँ तक एक बार के लिए कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो अब हम उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास क्या थी कि ए को अगर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए को अगर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमें एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो क्या होती थी हमारे पास, ए जो थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती थी। अब हम बाय एग्जांपल इसको प्रूव करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और प्रूव करना है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ठीक है, 1/3 मैट्रिक्स गिवन है, -1 2 2 2 -1 2 एंड 2 2 -1। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो 1/3 तो स्केलर है, बाहर एज इट इज पड़ा है। ठीक है, अब देखिए -1 2 2 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, चाहे किसी को भी चेंज कर लो, तो अगर कॉलम चेक करें तो -1 2 2 इसको रो में चेंज करेंगे तो -1 2 2 यही चीज आएगा। गिवन में देखिए क्या है, -1 2 2 सेकेंड कॉलम 2 -1 2 रो चेक करें 2 -1 2 थर्ड कॉलम चेक करें 2 2 -1 रो चेक करें 2 2 -1 यानी इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगी, सेम मैट्रिक्स आएगी, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, यानी ये हमारे पास वापस क्या मिल गई, हमें ए मैट्रिक्स ही मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3 -1 2 2 2 -1 2 एंड 2 2 -1 सेम ए के ट्रांसपोज की भी यही वैल्यू है, तो 1/3 -1 2 2 2 -1 2 एंड 2 2 -1। ठीक है, अब देखिए 1/3 तो स्केलर से एक बार अलग से मल्टीप्लाई करके हम 1/9 लिख सकते हैं। अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 -1 +1 +4 +4 1 + 4 + 4। ठीक है, सेकेंड -2 -2 + 4 -2 -2 + 4। ठीक है, देन -2 + 4 - 2 यानी -2 + 4 - 2। ठीक है, फर्स्ट रो खत्म हो गया हमारे पास, सेकेंड रो -2 - 2 + 4। ठीक है, नेक्स्ट 4 + 1 + 4 नेक्स्ट 4 - 2 - 2। ठीक है, इसे नेक्स्ट चेक करते हैं, -2 + 4 - 2। ठीक है, देन 4 - 2 - 2 नेक्स्ट 4 + 4 ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसको सॉर्ट आउट करके लिखें तो हमारे पास क्या आ गया, ए ए का ट्रांसपोज इक्वल 1/9 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, 4 + 4 8 + 1 9। ठीक है, -2 - 2 - 4 + 4 0 सेम -2 - 2 - 4 + 4 0 तो मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी हमारे पास 0 9 0 0 0 9।
ठीक है, बाद हमारे पास 1/9 पड़ा है, ठीक है। तो इस 1/9 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9/9 1, 9/9 1 एंड 9/9 1, बाकी सारे हमारे पास जीरो एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये किसकी इक्वल आ गई हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स के, यानी हमारे पास आई मैट्रिक्स के ये इक्वल आ गई, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी, बोला था कि ए मैट्रिक्स में हमारे पास, अब अगर आप इसमें ट्रांसपोज करें और देन इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए, तभी हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आएगी, ऑर्थोगोनल आएगी, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, यूनिट मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए इसका एक बार, ले सकते हैं, लास्ट पर लिख सकते हैं। सो गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल सेकेंड है हमारे पास, हमें गिवन है कि ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक, अब देखिए जो भी चीज हम प्रूव करेंगे वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए लागू होती है। अगर हम सिमेट्रिक के लिए प्रूव करेंगे तो देन जो गिवन मैट्रिक्स हमें प्रूव करनी है वो भी सिमेट्रिक आएगी, एंड अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया माइनस वो मैट्रिक्स आई तो वो हमारे पास क्या हो गया,
की अरिथमेटिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है कि अगर हमारे पास शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, मतलब कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कब? एज द सम ऑफ दिस मैट्रिक एंड इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लिखते हैं अपना। एग्जांपल थर्ड है हमारे पास, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड बाय द एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हमारे पास क्या एग्जांपल है, क्या क्वेश्चन है? शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, हम उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्लस में लिख सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका? लेट कर लेते हैं ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि बताना तो यही है ना, एक हमारे पास मैट्रिक होगी, दूसरी हम
अगर यहाँ